क्लास 5, दिस इज चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा. यू विल डू द होमवर्क इन अलजेब्रा कॉपी, मैथ्स 2 कॉपी. टॉपिक इज व्हाट इज अलजेब्रा. इन अरिथमेटिक वी यूज नंबर्स, बट अलजेब्रा इज द एक्सटेंशन ऑफ अरिथमेटिक इन विच लेटर और सिंबल रिप्लेस द नंबर्स. अलजेब्रा एक्सटेंशन ही है अरिथमेटिक का, इसमें लेटर्स और सिंबल. लेटर्स मीन्स अल्फाबेटिकल लेटर्स ए टू जेड. ओके, सेंटेंसेस, इट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट स्ट्रक्चर कन्वेइंग फुल मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमन लैंग्वेज में कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो वहां पर आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, लेकिन अगर आपकी अलजेब्रिक सेंटेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर हम उसको सिंबल्स यूज करेंगे और ऑपरेशन यूज करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिविजन. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट स्टेटमेंट इनटू सिंबल्स ऑफ अलजेब्रा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम ऑफ एक्स एंड 2 इज 5. सम मीन्स प्लस, एक्स एंड 2, एक्स प्लस 2 is equal to 5. इसकी जगह आप is equal to use करेंगे. x plus 2 is equal to 5. Difference of y and 3 is less than 5. Difference means minus. किसका difference? y and 3. y minus 3 is less than. Less than का symbol आपको पता है? This is the symbol for less than 5. Now third one is product of z and 5 is twice of 2. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. जेड एंड 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2, यानी 2 इंटू 2. जेड मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2, और 5 जेड, जेड इंटू 5 बिकम 5 जेड इज इक्वल टू 2 टू द 4. सो वी कन्वर्ट स्टेटमेंट इन टू द सिंबल्स ऑफ अलजेब्रा. दीज आर द सिंबल्स ऑफ अलजेब्रा, एक्स वाई लेस देन इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड सो ऑन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ओपन स्टेटमेंट. वॉट इज ओपन स्टेटमेंट? वेन अ स्टेटमेंट इज नॉट डिसाइडेड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड वी इंसर्ट एनी सिंबल और लेटर ऑफ अलजेब्रा, then it is called open statement. Number 1 is 3x plus 2 is equal to 10. In this question we are using letter x, and in question number 2 we are using letter triangle. Okay, so these are the open statement. Now in question number 2, write true or false. Number 1 is 2 plus 5 is equal to 7. There are two sides. This is right hand side 7 and left hand side is 2 plus 5. 2 plus 5 7 is equal to 7. Left hand side is equal to right hand side. It is true statement. Now 8 minus 5 is equal to 2. 8 minus 5 is 3. 3 is not equal to 2. So it is false. The next question is find the values of triangle or square which makes the following statement true. Question number 1 is 5 plus triangle is equal to 12. Easy method ये है कि आप जो है 12 में से 5 को माइनस कर ले रफ्ट. रफ वर्किंग इज 12 माइनस 5 विच इज 7. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्राइंगल की जगह यहाँ पर 7 इंसर्ट करेंगे तो ये 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. सही है. नंबर 2, 3 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 8. अगर हम यहां पर 2 लगाते हैं तो 3 टू द 6, 3 इंटू 2 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. ओके, so triangle is equal to 2 in this question and square is equal to 2 and triangle is equal to 7 is the answer.
विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर एंड डेल्टा इन दीज क्वेश्चंस.